ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर शनिवार को अनुसूचित विभाग के प्रदेश महासचिव पंकज मोहन सोनकर ने अनुसूचित विभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। बैठक को संबोधित करते हुए पंकज मोहन ने कहा कि दलित उत्पीड़न को दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं को गांव में जाना होगा और उनकी समस्याओं को जानना होगा और उनको दूर करना होगा तथा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा, तभी हम पार्टी को मजबूती दे पाएंगे। इस अवसर पर पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान, अजीत पाठक, स्नेहलता, महेंद्र मोहन तिवारी, महेंद्र नाथ मिश्रा, राजेंद्र यादव, छोटेलाल भारती, मार्कंडे प्रसाद, डॉक्टर हरीशचंद, नरेश कुमार एडवोकेट, शैलेंद्र कन्नौजिया, उषा श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अनुसूचित विभाग के प्रदेश महासचिव पंकज मोहन सोनकर ने कहा। उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का संगठन पूरे प्रदेश में बनाना, उसके लिए जो है यहाँ दौरा किया जा रहा है। प्लस यहाँ की जो स्थिति है गोरखपुर की, जो कि आदित्य योगीनाथ का क्षेत्र है, और यहाँ पर हमें संगठनात्मक रूप से मजबूत होना है कांग्रेस को, इसी उद्देश्य से यहाँ आना हुआ है।